سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي अल्लाह अलहम ना अल्लाहमारे नल हक का हक कऊ अर जुकन तिबा अल्लाहमारे नलबा तिलबा तिलो अर जुक नज तिनाबा आमीन सोमामीन तफसिर सूरा अल इमरान मदनी सूरत है बीस रकुआत और 200 सौ आयात पर मुश्तमिल ये मदनी सूरत तरतीब के एबार से तीसरे नंबर पर आने वाली सूरत है कुरान की तरतीब में पहली सूरत सूरा अल फिर उसके बाद कुरान की कोहान अलबकरा और अब उसके बाद तीसरे नंबर पर आने वाली सूरत सूरा अल अगर हम नजूली एतवार से देखें तो ये एटी नाइन्थ नंबर पर आने वाली सूरत है तरतीब में तो तीसरे नंबर पर है लेकिन क़ुरान के पहले ग्रुप में सेकेंड नंबर पर आने वाली मदनी सूरत है ज़रा दोहरा लीजिए मैंने आपको बिल्कुल आगाज़ में बताया था कि कुरान को मानी मफहम और मैसेज को समझने के हवाले से कुरान को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सात ग्रुप्स हैं सात मंजिलें हैं ग्रुप्स में हर ग्रुप के शुरू में मक्की सूरत या मक्की सूरतें और फिर मक्की सूरतों के बाद ग्रुप ऑफ मदनी सूरतें उस ग्रुप को मिलाकर एक ग्रुप बनता है आगाज़ में मक्की सूरतों का मकसद मक्की सूरतों में ईमान अकीदे पर बुनियादी तौर पर बात होती है हर ग्रुप के आगाज़ में अकद पर एक मुबास्सा अकायद पर एक मुद्ल तरीके से बात और तबसरा और फिर उन मक्की सूरतों के अंदर जब अकीदा मजबूत हो जाता है अकीदा कार्य कुरान का करेक्ट हो जाता है अगले ग्रुप में फिर आके रिफ्रेश हो जाता है तो इस अकीदे के रिफ्रेशर कोर्स के बाद फिर मदनी सूरतों के जरिए कुछ अहकाम दिए जाते हैं क्योंकि याद रखिएगा अहकाम पर अमल वही कर सकता है जिसका अकीदा मजबूत तो कुरान में मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए हैं पहले मक्की सूरतें अकीदे को और ईमान को दुरुस्त और मजबूत करती हैं और फिर उसके बाद फिर कुछ मदनी सूरतों के अहकाम दिए जाते हैं ताकि अमल रवैये खलाल हराम जायज़ नाजायज का तस्वर दुरुस्त हो जाए तो गोया ये पहला ग्रुप उसमें मक्की सूरत में सिर्फ एक मक्की सूरत सुरफ आतेहा है और उसके बाद फिर एक तवील सिलसिला मदनी सूरतों का ये जारी रहेगा मायदा तक और सूरा अलमादा पे फिरा के इस ग्रुप का अख्ताम होगा और उस हवाले से ये पहले ग्रुप की दूसरी मदनी सूरत है सूरा अल बकरा के बाद अल इमरान का एक नाम तो आल इमरान इस हवाले से है कि इसमें इमरात तो इमरान और आले इमरान का तस्करा मौजूद है और ये बुनियादी तौर पर वो घरानों की नस्ल है जहाँ से ईसाई नसरानी और हजरत ईसा के पैरोकार जहां से शुरू हुए तो लिहाजा ये सूरत सूरा अल इमरान है इसका एक और नाम सूरा अल कंस कंस कहते हैं जमा किए हुए खजाने को और खजाने के ढेर को तो इस हवाले से इसे सूरा अल कंस भी कहा जाता है और एक और नाम जो कुछ तफसीर की किताबों में आपको इसका मिलेगा सूरा अल इसतना सूरा अल इसखना और अगर हम हदीस का वही हवाला देखें जो हमने सुरा बकरा के हवाले से देखा तो इसका एक नाम अजहरा इसका और सरा बकरा का मिला जुला नाम सूरा अजहावैन भी होगा क्योंकि आप अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के अल्फाज में फरमाया था अजहावैन दो चमकने वाली सूरतें दो चमकदार सूरतें और इनसे मुराद क्या था सूर्य बकरा और सुर इमरान अजहरावैन इन सूरतों को पढ़ा करो क्योंकि कयामत के दिन ये ऐसे आएंगी जैसे दो साइबान दो बादबान, परिंदों के दो झुंड औजानी बार बार मैंने आपको बहुत सी चीजें पिछली दफा बताई थी वमामतानी अस्वदानी बहरहाल इनको अजहरावैन के नाम से याद रख लीजिए और ये दो सूरते हैं जो क्यामत के दिन दो साहिबान दो बादबान और परिंदों के जो झुंड की शक्ल में आएंगी जो अपने पढ़ने वालों के ऊपर साया भी करेंगी और उनके हाँ हक में सिफारिश और शिफात और झगड़ा भी करेंगी अगर हम जमाना नजूल और इसके मजामीन के जुज के हवाले से सूरत का मामला देखें तो इसके चार हिस्से नजर आते हैं मज़ामीन के हवाले से इसके चार जुज या जमान नजूल के हवाले से इसके चार जुज है गो या जमान नजूल भी वही है और मज़ामीन के हवाले से चार जुज़ या चार हिस्से नजर आते हैं। पहला हिस्सा पहले चार रकूआत पर मुश्तमिल है, पहले रकू से चौथे रकू के अख्ताम तक ये वो जुज्व है नजूली एतबार से या मजमून के एतबार से जो गजबाए बदर के बाद मुतसिल जमाने ही में नाजिल हुई ये आयात पहले से चौथे रकूत गजबा बदर के बाद फिर उसके बाद चौथे से लेके छवा रकू ये नौ हिजरी में ये आयात नाजिल हुई और निजरान से जब ईसाइयों का एक वफद रसुल्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने हजरत मरियम और हजरत ईसा की वलादत के बारे में जो कुरान की तालीमत और मोहम्मद सल वसल्लम के दीन की तलीमत थी उनकी वलादत की हकीकत के बारे में उसके बारे में सवाल किया तो ये आयात रसुल्लाम पर वही के जरिए नाजिल करके निजरान के ईसाई वफद के सवालों का जवाब दे दिया गया ये छेवें रकू तक सातवें रकू से लेके बारवा रकू मजामीन और नजूली एतवार से ये वो रकुआत हैं और वो आयात हैं जो जंगे बदर के बाद ही जमाने में नाजिल हुए यानी जंग बदर अभी रूनुमा हुई उसके बाद ये आयात और यकाम और यह तबसरा नाजिल हुआ सातवें से बारवें रकू तक और फिर आखिरी हिस्सा बारहवें रकू से लेके अख्ताम तक बीसवें रकू तक ये सूरा की वो आयात हैं जो गजवाए अहद के हवाले से नाजिल हुई गजवाए अहद के अंदर जो हालात रूनुमा हुए मुसलमानों पर तकलीफ आई उसकी वजूहत बताई गई उस पर मुसलमानों को तसलियाँ दी गई उनसे जो कमियाँ और कोताहियाँ हुई थी उनको उनको तबसरा किया गया उनको हाईलाइट किया गया ताकि रहती दुनिया तक उमत रसूल वसल्लम को सही नॉन मुस्लिम्स के साथ जब उनकी बुढ़ भीड़ होती है और नॉन मुस्लिम्स के साथ जब उनके मामलात होते हैं तो उनको सही कार क्या रखना है इस पर एक जामे सा तबसरा जो है वो आठवें रकू से बारहवें रकू तक एंड वाले जो ये रकू आते हैं इसमें एक आठवें ठवें बारहवें रकू से बीसवें रकू तक की जो आठ रकुआत इस है तो इसमें एक जाम तबसरा के हालात के हवाले से मौजूद है पढ़ेंगे ताकि हमें हालात पता चलते रहेंगे कि ये किस किस दौर के हैं ताकि अहकाम को समझना आसान रहे बिसमान रहीम अलफला वही अल्फाज हैं जो सूरा बकरा के आगाज़ में है नाम भी मिलता जुलता है अज़हरावैन फजीलत भी मिलती जुलती है कयामत के दिन इनके रवैये भी मिलते जुलते हैं और हरूफ मुकत्तात भी मिलते जुलते हैं ये कत किए हुए हरूफ जिनमें से किसी एक लफ्ज़ का मतलब और मानी ना अलग पता है ना मिला के पता है बस ये अलग अलग हरूफ जिनमें एक एक हरफ को पढ़ने का दस नेकियों का अजर का वादा मौजूद है अल्लाहला अला हुआ अल्लाह अल्लाह का लफ्स अल और अलाह को मिलकर बनता है अल अलह अल्लाह कोई या अल्लाह का लफ्ज़ खुद अपने ही अंदर अपने मानी वाजी करता है के वह जिसको हम अल्लाह कहते हैं वो वाहिद अलाह है उस किस्म का और कोई इलाह है ही नहीं द ओनली ऑफ इस टाइप द ओनली वन विद क्वालिटी उन सिफात उन इख्तियार उन वाला और कोई इलाह है ना हो सकता है ना हुआ था ना है ना होगा यह है अल-इलाह, वो वाहिद इलाह यह इलाह इला कैसा है ला इला है इला हुआ उस जैसा उसके अलावा कोई और इलाह है ही नहीं अल्लाह की वजाकत कर दी गई अल्लाह के लफ्ज की कलमा तयबा जो हमारे ईमान का नुकता आगाज है गोया वही सूरा अमरान के इब्तदाई कलमा भी है रुप के बाद यही पहला कलमा ला लाला जो कलमा तय्यबा का लाजिम हिस्सा है हमारे अकीद तोहीद ईमान बिल्लाह का लाज़मी जुज्व और हमारे इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए पहला लाज़म कलमा है अफजल कलमा भी है अफजल जिक्र भी है इसमें मोमिन कहता क्या है ला नहीं इलाह माबूद, इल्ला हुआ मगर उसके अलावा ये एक ऐलान है एक कौल इकरार है एक वादा मुआहिदा है एक दावा है एक क्लेम है जो मोमिन इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के बाद करता है कि मेरा इलाह अब अल्लाह के अलावा कोई नहीं इलाह का मतलब मबूद है इबादत किया जाने वाला मबूद होता है तो गोया ऐलान क्या है कि मैं ये कलमा कह देने के बाद ये वादा कर लेने के बाद ये ऐलान कर लेने के बाद ये दावा कर लेने के बाद ये कौलो इकरार कर लेने के बाद मैं माबूद अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं बनाऊंगी ये माबूद का मतलब क्या है माबूद एक वो है जिसकी इबादत की जाती है और माबूद वो है जिसके लिए अब्द बंदा उसकी बंदगी और अतात करता है और यही दो इबादत के मतलब है ईया का ना में हमने यही दो मानी इसके लिए थे नाबुधु का मतलब था ईया का ना सिर्फ तेरी हम इबादत करेंगे और ईया का ना सिर्फ तेरी ही हम अताहत करेंगे और यही इबादत के दो मतलब हमने शुरू ही में सीखे थे इबादत का मतलब जिसमानी रूहानी और माली इबादत करना इबादत का दूसरा मतलब बंदगी अतात करना अहकाम को तस्लीम और बचा लाना तो गोया ये ऐलान है सुर इमरान के शुरू ही में कि मेरी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होगी और मेरी अतात भी अब सिर्फ उसी रब वाखिद की होगी है जात वाद इबादत के लायक जबान और दिल की अतात के लायक ये है वो कलमा जो यहां पर कहा जा रहा है ये कलमा पुकार लेने के बाद मुसलमान क्या करता है कुलना सलाती व नुस्की व माखिया या ममाती रबालमीन के तहत वो नमाज पढ़ता है वो रोज़ा रखता है वो जक़ात देता है वो सदका देता है वो उम्रा करता है वो हज करता है वो हिजरत करता है वो जिहाद करता है वो तबलीग करता है तो ये सारे का सारा काम रब को राजी करने के लिए करता है उसकी नाराजगी से बचने के लिए करता है उसके कुर्ब को पाने के लिए करता है उसके जन्नत के हसूल के लिए करता है उसके गजब और उसके जहन्नम के अजाब से बचने के लिए करता है वो नमाज रोजा जक़ात हज तहजद खैरात सदकत उमरा नवाफिल कुछ अपनी रियाकारी के लिए अपनी नेकी के चर्चों के लिए अपने दिखावे और नमूदो नुमाइश के लिए अपने माल की कसरत के इजहार के लिए या कोई दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए नहीं महज रब की रजा के लिए और महज रब की जन्नत के कसूल और महज रब के जहनम से बचने के लिए करता है एक तो ला, इलाहा ला का वाजे इबादत के हवाले से मफहूम ये है और ला इला का दूसरा मफहूम उसके दूसरे मानी के हवाले से ये है कि मैं अल्लाह के अलावा और किसी की अतात और बंदगी भी नहीं करूंगी यह कौलो करार है और इस कौलो करार का लाजिम मामला यह है कि लालाहा कहने वाला यह कह देता है और सिर्फ कह नहीं देता कर भी देता है क्या वो कहता है कि मैंने ला की तलवार चला दी अब्बा की तमाम अतातों के पैमानों पर और वाकई कहता नहीं है वो चला भी देता है ये लाख की तलवार बाकी सब अता पर और ये कहने के बाद ना वो अपने नफ्स की अतात करता है ना ख्वाहिशाते नफ्स आरजुओं तमन्नाओं की इतात करता है अपने घराने वाले अपनी बरादरी अपने माशरे अपने मुल्क के कवानीन की अतात वो सिर्फ और सिर्फ तब करता है अपने माशरे के वडेरों अपने माशरे की बरादरी के ऊपर वालों की अतात वो सिर्फ़ और सिर्फ तब करता है अगर इनकी अतात और इनकी अहकाम और इनकी मर्ज़ियों का दायरा उस मेरे असल मुता इलाह के मुताबिक है अगर दिल की मर्जी असल मुता के हुक्म के खिलाफ है अगर दिल की आरज़ू और तमन्ना अति अल्लाह के खिलाफ है अगर मेरे घर की मर्जी और अजा अगर मेरी बरदरी के तरीके अगर मेरे माशरे के कवानीन उस असल मुता के अहकाम से क्लैश करते हैं तो वो ला की तलवार चला के बाकी सबको जेर कर देता है सिर्फ इलाह की अतात करता है ये है वो लाख का कलमा और उसका मफ अल्लाह इस पर जमना आसान कर दे अल्लाह जो कहते हैं वो करके दिखाने की तोहफी कता फरमा दे अल्लाह जिंदगी इलाहा के मिस्ताक पर गुजारने अल्लाह मौत के वक्त तक इस पर इस्तकामत ऐसी इस्तकाम कि जबान पर ला अला का कलमा जारी हो जाए अल्लाह ने अपनी ये सिफात की पहचान के मेरे अलावा कोई इलाह नहीं ये कहने के बाद फरमा दिया कि इलाह पता तुम्हारा कैसा है अल अलहुल क्यूम गोया इलाह होने के लिए अगली लाजिम सिफ्त यह है कि इलाह फिर कैसा हो हमेशा जिंदा रहने वाला और हमेशा कायम होने वाला मेरा ख्याल है हल्के से जीरक और हल्के से समझ रखने वाला बंदा ये बात समझ सकता है इलाह के लिए हैयल क्यूम होना क्यों जरूरी है आप देखें कि अगर इलाह एक दौर में हुआ और दूसरे दौर में ना हुआ एक सदी में कायम हुआ और दूसरे सदी में कायम ना हुआ दिन को हुआ और रात को ना हुआ गर्मी में हुआ और जाड़े में ना हुआ तो क्या अहकाम बदलते रहेंगे अतातों का पैमाना बदलता रहेगा इबादात के तरीके महवर मरकज बदलते रहेंगे नहीं, नहींता हमेशा एक है हमेशा रहेगा हमेशा जिंदा रहेगा हमेशा कायम रहेगा हर दौर का सेंटर फोकस मेहवर मरकज ザत वखद ही होगा इबादत हमेशा एक होंगे दीन हमेशा एक होगा राजी हमेशा एक को करना होगा और यही उस इलाह के लिए लाज़िम है कि इलाह को हय्युल قیয়وم होना जरूरी है अल हय्युल قیয়وم बड़ा अफजल कलमा भी है कोया सूरह इमरान की दूसरी आयत में दो अफजल अजकार का तस्करा है सूरह अल की पहली आयत ही गोया दो अफजल अस्कार सिखा भी रही है बता भी रही है और उसमें मजकूर भी है अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा एक जिक्र का बहुत अफजल कलमा इसमें आजम अल हय्युल क़य्यूम इसमें आजम के हवाले से हदीस के अल्फाज दिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें आजम आजम कहते हैं सबसे बड़ा सबसे बड़ा नाम इसमें आजम को आयतल कुर्सी सूरा बकरा की आयत आयतल कुर्सी सूरा इमरान की आयत नंबर दो और सूरा की, सूरा तोहा की आयत नंबर एक सौ ग्यारह में तलाश करो आयतल कुर्सी सरा आल इमरान की आयत नंबर दो और तोहा की आयत नंबर 111 में तलाश करो और जब इन तीनों आयत को इकट्ठा रख के देखा जाए तो एक कलमा और एक वर्ड जो तीनों में कॉमन है वो क्या है अलहैल क्यूम तो गोया इसमें आजम इन तीनों आयत को खंगालने के बाद इसमें आजम अलहय क्यूम ही ठहरा ये तलाश की तजवीज देने के बाद आप सल्ह ने हदीस में यह भी फरमाया कि जो इसको पुकार कर दुआ करेगा इसको किसको इसमें आजम को जिसको हमने उन तीन आयात में तलाश किया जो इसको पुकार के इसको अदा करके पढ़ के दुआ करेगा उसकी दुआ रद्द नो की अल्लाह दुआ की कबूलियत के तरीके भी सिखा अल्लाह मकबूल दुआ होने के आदाब सिखा अल्लाह वो हदूदुल्ला, अल्लाह वो हदूदुल्ला जिससे तजावज करना कबूल दुआ में रुकावट बन जाता है अल्लाह उन हदूदुल्ला का पास करना हम सब के लिए आसान बना तो लिहाजा अलहैल क्योम यह दुआ की कबूलियत का नुस्खा भी है जो इसको पुकार कर दुआ पड़ेगा उसकी दुआ कबूल होगी और फिर मसनूम दुआ गम के वक्त परेशानी के वक्त मुस्तरब दिल की बेकरार दिल की दुआ परेशानी घरा घबराहट इसतराब की टेंशन में जो वसल्लम की दुआ मसनून तजवीज़ है या है्यू या क्यूम बेरोहते का नस्तज ए हमेशा जिंदा रहने वाले ए हमेशा खुद से खुद कायम रहने वाले हम तेरी रहमत की हम मदद मांगते हैं नून भी आ सकता है लिफ भी आ सकता है नस्तगीसु में हम सब को शामिल कर लेंगे इसलिए नून और इज्तमात का सीगा अपनी दुआओं में शामिल रखा करें अल्लाह सुबहाना तआला ने अपना तारुफ जिक्र के दो अफसल कलमात बताने के बाद फरमाया कि वो अल्लाह जो वाहिद इलाह है जिस ही की तुम्हें इबादत करनी है जो हमेशा से हयात और हमेशा कायम रहेगा वो तुम्हारा वाहिद महबूद जिसे तुम्हें बनाया ही अपनी इबादत के लिए क्या कहा था इल्ला लिया तो उस वाले ने जो वाहिद इलाह है जिसने बनाया तुम्हें इबादत के लिए है, उसने इबादत के अतात के तरीके बंदगी और मबूदियत के तरीके सिखाने के लिए उसने पता है क्या किया? है नजला कल किताब अबिलहक वो जो इलाह है उसने अपने बंदों को इबादत सिखाने के लिए वो जो मुता है उसने अपनी मखलूक को अतात के पैमाने बताने के लिए उसने अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु पर किताब नाजिल की है और वो हक के साथ नाजिल की है और ये किताब क्या है मत दिखल ही वो जो पीछे से किताबें पहले से गुजर चुकी हैं उनकी तस्दीक करती है यानी कुरान का तारुफ करवाने के बाद ये बताया कि ये कुरान हक वाला है और पीछे सारी के सारी जो आसमानी किताबें गुजरी हैं उनकी तस्दीक करती है कुरान में पिछले अंबिया का तस्करा है पिछली किताबों का तस्करा है ईमान बिल रसुल और ईमान बिल किताब मुकम्मल ही नहीं होता जब तक लानु फरको बना आदि में रसुल ही का मामला है सूरह बकरा में देखे इख्त में क्या कहा गया था लानो लहनु फ़रक वहादि में रसुल ही उसी चीज की तस्दीक आगे की जा रही है कि ये किताब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलम की तरफ नाजिल की गई है ये पिछली आने वाली तमाम किताबों और पिछले तमाम नबियों की तस्दीक और तइद करती है वह अनजलत तौरात और इंजील और अल्लाह सुबहाना ताली ने तौरात और इंजील नाजिल की यहाँ पे तौरात और इंजील की तस्दीक का तस्करा भी है और तौरात और इंजील का मिनजानब इलाही होने का तस्करा भी है कोई अगर आप देखें कि पहली तीन आयत में अल्लाह अल्लाबहाना ताला ने अपना तारुफ और अपना तस्करा अपनी जात सिफात इख्तियार की पहचान मोहम्मद सल्हलम अलई का आपका तारुफ आपके ऊपर भेजे जाने वाली किताब का तारुफ पिछले अंबिया और पिछली किताबों का तारुफ कितनी जामयत है पहली तीन ब्त आयत में एक खजाना मिल गया अल्लाह के ईमान और अल्लाह की पहचान का सुर कंस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम और उनकी पहचान का उनके हक होने का कुरान के हक और पिछली कुरान पिछली किताबों और नबियों की तालीमत के बर हक होने का ईमान बिल्ला ईमान बिल रसूल ईमान बिल किताब की तस्दीक और तइद हो गई तीन पहली आयत में यह है जामाइत कुरान की और वैसे भी अगर आप दोहराएं तो मैंने आपको सूरह अल बकरा ही की इब्तिदा में बताया था कि कुछ मुफसरीन इन दोनों सूरतों को सूरह अल उम्मतैन भी कहते हैं दो उम्मतों की सूरतें दो उम्मतों की सूरतें और ये दो उम्मतें कौन सी हैं जरा और पीछे जाए जब कार्य कुरान या नमाजी अपनी नमाज में हाथ बांधकर सूरह फातिहा पढ़ता है तो जब अल्लाह कहता है कि अब इसके बाद ये दुआ मेरे बंदे के लिए है तो बंदा क्या कहता है ए मुस्तकीम, सरातुलमुस्तकीम लजीन अनाम तिम और फिर किन दो रस्तों से पनाह मांगता है मकदूब और दालीन सूरा फातहा में नमाजी और सूरा फातहा कुरान में इब्तदा में तलावत करने वाले ने आगाज़ में दो ग्रोहों से पनाह मांगी थी दो ग्रहों के रास्ते से पना मांगी थी मकदूब और फिर मकदूब के बाद मकदूब से मुराद यहूद थे सलाम के, के गजब का शिकार हो गए थे रास्ते को ही छोड़ दिया था और दूसरे ग्रोह हजरतीसालाम के पैरोकार जिनको हदायत मिली थी लेकिन हदायत को छोड़ा तो नहीं था लेकिन भटक के किसी और रास्ते पर चले गए थे द्वालीन पहली सूरत में कुरान इन दो ग्रोहों के रास्ते से चलने की पनाह मांगता है और आगे अल्लाह सुबहाना ताल हदायत मांगने वाले को जालिकल किताब उला बफी खुदन कहकर मकदूब और दालीन के रास्ते दिखा देता है सूरा अल बकरा में अल्लाह ने मकदूब का रास्ता दिखाया मकदूब का नाम इसलिए कि हज़रत मूसा हजरत ईसा से पहले आए थे अंबिया की तरतीब का तजिया भाई मामला रखा गया हजरत मूसा पहले हजरत ईसा इस्लामबाद में तोरात पहले इंजील बाद में मखदूब का नाम पहले द्वालीन का नाम बाद में मकदूब का तस्करा सूरा बकरा में द्वालीन का तस्करा सूरा लिम्रान में तो गोया ये सूरा दोनों सूरतें सूरा अल-उम्मतें, दो उम्मतों का तस्करा बयान करने वाली सूरतें। सूरा बकरा में मखदूब हजरत मूसा बेजबे गजब था ना मकदूब कौम थी उनके रवैयों पे ऊपर बड़ी वजाहत से हमने तबसरा पढ़ा क्या करते थे क्या खाते थे कैसे जेत थी कैसे ढटाई थी कैसे बदहतियाँ थी कैसे दिल सख्त थे अब उसके बाद सूर आल इमरान में दुआलीन का तस्करा आएगा इसी हवाले से ये अलमत में से दूसरी दूसरी उम्मत का किस्सा बयान करने वाली सूरत सूर आल इमरान वो इमरान की नस्ल जिसमें हजरतीम के पैरोकार दूसरी द्वालीन की नस्ल की सूरत है और उस ही दोनों ग्रहों की सूरतों का उनकी किताबों का तस्करा व अनजलत तौरा तबल इंजील के अल्लाह सुबहाना ताला है क्यूम रब ने हक की रहनुमाई के लिए मोहम्मद सल्लाह पर अन अमता अलिम पर किताब नाजिल की और पिछले दो ग्रहों की किताबों का तस्करा तोरात जिनके हमलान मकतूब हुए और इंजीन जिसके थामने वाले द्वालिन बन गए तौरात और इंजील का तस्करा कुरान में एक बार नहीं इससे ज्यादा दफा आ चुका है तौरात किसको कहते हैं तौरात बुनियादी तौर पर वो किताब है जिसके हामिल यहूद है हजत मूसा के पैरोकारों के पास जो आसमानी किताब है उसको तौरात के नाम से जाना जाता है इब्तदाई तौर पर जो एहकाम हजरत मूसा आलाम पर नाजिल हुए पहले व एहकाम वीसा कबनी इसराइला दस अहकाम ये दस अहकाम जो हजरत मूसा पर नाजिल हुए थे ये तो पत्थर की तख्तियों और सिलों पर कंदा करके भेजे गए थे ये दस इब्तई अहकाम थे उसके बाद वक्ता फवक्ता वही के जरिए जरत मूसा कलीम उल्लाह को अहकाम अल्लाह सुबहाना तला की तरफ से आए हजरत मूसा सलाम ने इन इब्तदाई दस एहकाम को भी और वही इलाही के जरिए आने वाले बाकी आसमानी इल्हामी वही के अहकाम को भी लिखवा दिया और यही तोरात थी इस इब्तदाई सहीफे की बारह कॉपीज बनाई गई दो और दस कबीले थे और वही दो और दस कबीले जब चश्मा चश्मे फूटे थे तो बारह कबीले बने थे और बारह सरदार थे और बारह ही चश्मे फूटे थे तो गोया ये इनिशियल जो तौरात लिखवाई गई थी इसके बारह सैंपल्स और बारह स्पेसिमेंट्स और कॉपीज सहीफों की बनाकर बारह कबीले के सरदारों को दे दी गई थी और जो एक्चुअल इनिशियल कॉपी थी वो बनी लावी वालों के हवाले कर दी गई थी बनी लादी वालों के हवाले ये जो किताब कर दी गई थी ये एक्चुअल प्रिंट था और इन्हीं के पास वो पत्थरों की तख्तियां भी थी इसको इन्होंने अपने लिए बड़ा मुतबर्रक समझकर वो संदूक जिसे ये ताबुते सकीना के नाम से जानते थे जिसमें असामन के कुछ स्पेसम भी इन्होंने संभाले थे उसको इसमें यह तौरात का इनिशियल फर्स्ट और फाइनल स्पेसमन था जिसकी बाकी कॉपीज़ बाकी कबीलों के पास मौजूद थी इस इनिशियल सैंपल को इन्होंने सहीफे को इन्होंने ताबूत सरकीना के लकड़ी के संदूक में बंद कर लिया और यह इसको अपने लिए बड़ा बायसे तबरुक और बायसे बरकत समझते थे उसके बाद अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की पेशन के मुताबिक जब इन्होंने बहुत फितना फसाद किया अल्लाह के दिन के अहकाम को छोड़ा तो अला ने कहा तुम पर दो दफा बड़े बड़े हमले होंगे तो इनमें जब इन्होंने अपनी शरीय को छोड़ा था तो इन पर आशूरियों ने हमला किया इसका तस्करा इंशाला आगे आता रहेगा बुख्त नसर की क्यादत में आशूरियों ने इन पर हमला किया बड़ी ालिम कौम थी आशूरियों की इन्होंने जब यूशलम पर हमला किया तो यूशलम की ईंट से ईंट बजा दी सारी बस्ती में स्मार कर दी गई मैंने उस दिन आपको वाह क्या हजरत उजैराम के हवाले से भी यह बताया था अशूरियों ने जब हमला किया यहूद पर हजरत मूसा के पैरोकारों के ऊपर अशूरियों का हमला हुआ क्यादत इनकी बुख्त नसर कर रहा था यूश्रम की ईंट से ईट बजा दी गई बस्ती की बस्ती जला दी गई और जितने तोरात के सहीफे थे वो सब जला दिए गए कोई तोरात का एक्चुअल सहीफा बाकी नहीं बचा बैतुलमकदस को मिसमार कर दिया गया जो इबादत खाने थे वो ढा दिए गए किताबें जला दी गई तो रात के सहीफे खत्म कर दिए इमारते गए इमारतें ढा दी गई और मर्दों बच्चों कुछ को कत्ल कर गए और कुछ को गुलाम बना के ले गए बहुत सालों के बाद वो जब बिल्कुल आपने सूरा अल बकरा के अख्ताम में वो वाक्य पढ़ा था कि वो शख्स वापस आया और फिर उसने कहा कि ये बस्ती अल्लाह कैसे जिंदा करेगा तो हजरत उजैर आलाम का मामला कि हज़रतराम वापस आए जब आज़ादी मिली इनके पास हाफ़ज़े में इनके हाफ़ज़े में, में, में तौरात मौजूद थी हाफज थे तौरात के हजरत उजैर अल्लाह के नबी थे हजरत ईसा के बाद के ज़माने में ये अल्लाह के नबी थे इनके हाफे में तोरात के अहकाम मौजूद थे तोरात मौजूद थी हजरत उजैराम ने अपने हिफ्ज तौरात की बुनियाद पर उस दौर के उलमा के साथ मिलकर तौरात फिर से लिखवाई और ये तौरात जब फिर से लिखवाई गई तो ये तो हजरत मूसा के पैरोकारों पर हजरत उजैर का बहुत बड़ा एहसान था और आप उस दिन हमने वाक्य यह भी पढ़ा कि मुजाना तरीके से उनको अल्लाह ने जिंदा किया सौ साल के बाद और उनका गदा और उनका खाना और गदे का पिंजर एक तो इतना बड़ा मोजाना मामला और दूसरा तोरात की तजदीद करने का एहसान बनी इसराइल के यहूदियों ने हजरत उजैर को उजैर इबन बना दिया और फिर उजैर को इलाह बना दिया कि शिर का तरीका हजरत उजैर ने जब अपने हाफजे से तोरात की तजदीद की उस वकत सिर्फ तौरा में वही इलाही के अल्फाज नहीं सीरत मूसवी को भी बीच में शामिल कर दिया गया अगर हम अब इस्लाम के अहकाम देखें कुरान सिर्फ वही इलाही है हदीस सिर्फ हदीस है और फिर रसुल्लाम की उस्वा और तारीख अलग मौजूद है मगाजी गज़वात की तारीख अलग मौजूद है सहाबा की तारीख अलग मौजूद है हमारा सब कुछ अलग डिफरेंशिएटेड है लेकिन अगर आप तौरात और इंजीर में देखें तो सब कुछ खलत मलत है हजरत उजैर ने जब तौरात को अपने हाफजे से फिर लिखवाया तो कुछ तो वही की आयात थी और कुछ हजरत मुसा सलाम की सीरत को भी बीच में शामिल कर दिया गया तौरात के चार बाब, बाब खरूज बाब अहबार बाब गिनती और बाब इस्तस्ना ये चार बाब हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हजरत मूसम की सीरत के वाकयात में रेट करते हैं तो गोया जब तौरात फिर से लिखी गई तो उसमें कुछ तो वही की एकाम और कुछ तो आयात इलाही थी लेकिन उसमें सीरत मूसवी भी, भी शामिल कर दी गई और गोया यही अब तौरात की शक्ल मौजूद थी और इसकी तब तकरीबन 17 टू 20 किताबें लिखी गई आज जो तौरात मौजूद है इसको ओल्ड टेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है सहीफा कदीम ओल्ड टेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है और इसकी तकरीबन 39 39 इसके हिस्से या किताबें मौजूद हैं ये ओल्ड टेस्टमेंट है तौरात जहां तक मामला वल इंजील इंजील का है जिसे हम बाइबल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में तो बाइबल जो हजरत ईसा सलाम के पैरोकारों के पास मौजूद है या थी वो बुनियादी तौर पर वही इलाही की आयत पर मुश्तमिल नहीं है बहुत थोड़ा हिस्सा इंजील का और बाइबल का वही आ, अलाही की आयत पर मुश्तमिल है बाकी अक्सरियत हिस्सा इंजील का वो इर्शादात वो खुतबात जो हजरत ईसा सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी ढाई तीन सालों में दिए इंजील बुनियादी तौर पर खुतबात ईसा पर मुश्तमिल है और इंजील की ही कुछ किताबें मता मरकज लौका यूहन्ना इसमें हजरत ईस्सी की सीरत और उनकी जिंदगी के वाकत भी मौजूद हैं तो गोया इंजील या अनाजील बाइबल्स जो आज मौजूद हैं उसमें बुनियादी तौर पर हजरत ईसा आलाम के जिंदगी के आखिरी सालों को ढाई तीन साल और आखिरी यदवार कि जो उनके खुतबात हैं आज की इंजील या बाइबल बुनियादी तौर पर खुतबात ईसा आलाम पर मुश्तमिल वही इलाही की आयात बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसमें मौजूद है और ये किताबों की हिफाजत का जिम्मा चूंकि अल्लाह ने नहीं लिया तो ये किताबें ना महफूज हैं और फिर बहुत सी तहरीफात और तगैरा और तब्दीलियां हुक्म इलाही में मौजूद नजर आती रंग एक्चुअल दीन इस्लाम का रंग मौजूद नहीं रहा इंजील को आज न्यू टेस्टमेंट के नाम से भी जाना जा इंजील को आज न्यू टेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी तकरीबन चौबीस से बुक्स या जैसे हमारे कुरान के तीस से पारे इसके तकरीबन चौबीस या पच्चीस किताबें मौजूद हैं है। <ककथ> तो अल्लाह तो ने फरमाया कि ये किताब जो मोहम्मद सल असम पर नाजिल की गई है जो उनसे पहली किताब है अजीना यो मिन बिमा जिला का बा उनका बबिला आखिरत हम युकिन ये मुसलमान के ईमान के लिए लाजिम है तो गोया हमारी किताब हमारे अहकाम हमें देती है ये मुकम्मल है ये जामे है ये महफूज है अतात इसकी की जाएगी लेकिन ये ईमान जरूर रखा जाएगा कि पिछले नबी भी बरहक थे और उन पर नाजिल होने वाली किताबें इल्हामी थी और उसी जात ने जो कुरान नाजिल किया उसने वो कसौटी, वो वह अनजल फुरुर्कान उसने वो फुरकान भी उतार दी कोया कुरान को यहां पर फुरकान कहकर पुकारा जा रहा है फुरकान का रूटवर्ड फार अकाफ है फरका का मतलब फरका का मतलब ये है मैंने आपको बहुत दफा शायद ये बात बताई है दोहरा रही हूं कि अरबी जबान में फाज से जो अल्फाज का आगाज होता है नॉर्मली वो सेपरेटिंग और स्प्लिटिंग वर्ड्स होते हैं फरका फसका फाजरा फसदा स्प्लिटिंग वर्ड्स स्कैटरिंग वर्ड्स बिखेरने वाले अलग करने वाले मुंतशर करने वाले जुदा करने वाले अल्फाज फरका का मतलब है दो ऐसी चीजें जो हकीकतन अलग हैं लेकिन जाहिर में मिली हुई लगती हैं समझ में आया दो चीज़ें बुनियादी तौर पर उनकी एंटिटी उनका तशखस उनकी उनकी हैसियत अलग है लेकिन जाहिरतन मिली हुई लगती हैं उन दोनों को फरका का मतलब उनको फाड़ के अलग कर देना उनकी एंटिटी को उनकी शनाख्त को उनकी हकीकत को अलग थी अलग बनी थी अलग बनाई गई थी उनकी सिफात उनकी चीजें सब फर्क हैं लेकिन लग क्या रहे मिली जुली लग रही हैं खलत मलत हुई हुई है, उनकी सेपरेट एंटिटी नजर नहीं आ रही इन दोनों को अलग कर देना यह है फारका फुरकान क्या है फुरकान फौलान के वजन पर मुबालगे की हद तक फर्क करने वाला मुबालगे की हद तक फर्क करने वाला तो कुरान किस चीज के दरम्यान फर्क करता है और मुबालगे की हद तक फर्क करता है तक फर्क करता है किस में हक में और बातिल में वही जो हम दुआ करते हैं ना अल्लाह नल हक हक कऊ और जुक ने नल बातिला अल्लाह को हक करके दिखा दे और अल्लाह बातिल को बातिल करके दिखा दे हक के इतबा की तोफीक़ ता फरमा और बातिल से इजतनाब की तोफी कताफरमा ये हक को हक और बातिल को बातिल करके कौन दिखाएगा ये फरकान क़ुरान हक और बातिल में फर्क कर देता है हलाल और हराम में फर्क कर देता है इन नमा हर रमाकुम वह भैया वर रमर बाबा ये है फरकान नेकी और गुनाह में फर्क करके रखते थे बिर, बिर का तस्वर गुना का तस्वर हक और बातिल में फर्क करता है गुनाह और नेकी में फर्क करता है हलाल और हराम में फर्क करता है जायज और नाजायज में फर्क करता है रब पसंद और रब नापसंद में फर्क करता है जन्नत का रास्ता और जहन्नम के रास्ते में फर्क करता है सरात मुस्तकीम और सरात सरातुलजहिम में फर्क करता है यह है फुर्कान क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था वैना चतन फिर लोगों को तख्लीक करके दुनिया में भेजने के बाद हम उसको दोनों रस्ते भी दिखाएंगे ये दोनों रस्ते कौन फर्क करता है अलफुर्कान तो अल्लाह सुबहाना पहले तो नाजिल की फिर इंजील नाजिल की फिर अल्लाह ने एक किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लाम पर जो हक पर मुश्तमिल थी पिछली किताबों की तस्दीक और तइद भी करती थी और खुद ये कुरान क्या है ये फुर्कान है मुबालके की हद तक, तक तुम्हें एक कसौटी और पैमाना बता देता है ताकि तुम जायज़ और नाजायज को परख लो अब जो लोग अल्लाह के फरामीन को कबूल करने से इनकार करेंगे वो रब जो वाहिद इलाह है जो हैय क्यूम है जो हक उतारता है पिछली किताबों की तस्दीक करने वाला और जो तुम्हें मुबालगे की हद तक फर्क करने वाला पैमाना फराहम करता है इस पैमाने पर अगर कोई इनकार करेगा तो फिर उसको सख्त सजा मिलेगी अल्लाह बड़ी पेपना ताकत वाला है और बुराई का बदला देने वाला है उसने बुराई का रास्ता फुरकान के जरिए बाजे कर दी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें खलत मलत हो कि बुराई क्या है और भलाई क्या है उसने खैर का और शर का भलाई का और बुराई का नेकी का और गुनाह का रास्ता उसने मुबालक की हद तक तुम्हारे लिए वाजे कर दी तफरीक कर दी है लेकिन अगर इतने वाजे फुरकान के होने के बावजूद भी तुम उस फुरकान के अहकाम का इनकार करोगे तो फिर वो तुम्हें बहुत बड़ी सख्त सजा देगा और यह ना समझना कि वह सख्त सजा दे नहीं सकता वो हर किस्म की सजा की ताकत भी रखता है और फिर वो ताकत रखने वाला सजा किसको देगा वो बुराई का बदला देगा क्योंकि उसने बुराई को फुरकान के जरिए से फर्क करके वाजिब कर दिया था कैसे करेगा जमीन और आसमान की कोई चीज उससे पोषी था तुम्हारा ख्याल है तुम्हारा ख्याल है तुम फुरकान पढ़ोगे और फिर अपने जिंदगी के रवैयों में फर्क नहीं करोगे नेकी और गुना को खलत मलत कर दोगे हक और बातिल को मिला के खा जाओगे हलाल और हराम के तमीज से जिंदगी नहीं गुजारोगे तुम्हारा ख्याल है उसको पता नहीं चलेगा अपने घरों के अंदर करोगे अपने घरों के पिछवाड़े में करोगे दिलों के अंदर करोगे छुप छुपा के पोशीदा करोगे नहीं वो जमीन और आसमान की सारी चीजें कुछ भी उससे पोशीदा नहीं पता है उसको कितना कुछ पता है वही तो है वही तो है जो तुम्हारे माओ के पेटों में तुम्हारी सूरतें जैसी चाता है बनाता है अरे तुम्हें तो वो डे वन से जानता है तुम तो उसकी बनाई हुई चीज हो तुम तो उसके मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो तुम तो उसके बनाए हुए प्रोडक्ट हो तुम्हें तो वो वन से जानता है उसने जैसे चाहे तुम्हें घर दिया उस ज़बरदस्त हमत वाले के सिवा कोई खुदा नहीं वही खुदा है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की बड़ा खूबसूरत अंदाज है अल्लाह सुबहान तल्ला इस किताब के साथ जोड़ते अल्लाह इस पर कामिल मान अता अल्लाह ऐसा कामिल ऐमान इसकी अतात करने वाले खुश नसीब बन जाए और अल्लाह इसी को हमारे हक़ में खुजत बना देना अल्लाह इस किताब को हमारे क़बर का कबर की तनहाइयों का साथी बना देना अल्लाह इस किताब को अल्लाह इस किताब को हमारे लिए हमारे लिए पुलसरात पर नूर का ज़रिया बना देना अल्लाह सुबहाना ताल इसी किताब को हमारे निजात का ज़रिया बना देना अल्लाह इसी किताब ऐसा हिफ्स अदा कर देना कि इसी हिफ्स के ज़रिए पढ़ते जाएं और ऊपर चढ़ते जाएं अल्लाह इसे मोहब्बत अता फरमा इसको सीखने का शौक़ और शकफ़ अता फरमा वही खुदा है जिसने तुम पर यह किताब उतारी बड़े खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुबहाना ने अपना और फिर अपने कलाम का और अपने नबी का और अपने दीन का और इस किताब का तारुफ़ करवाने के बाद अब मज़ीद इस किताब की वजाहत इस कुरान के तालब इलम को की जा रही किताब तो ये पिछली किताबों की तस्दीक करती है ये फुरकान है इसको कोई नहीं मानेगा तो अल्लाह से बच नहीं सकेगा लेकिन जब तुम इसको पढ़ोगे तो पता क्या होगा इसको जब तुम पढ़ोगे ना, तो आयात उन मोहकमा कुरान ए तालिबिल में कुरान यू विल कम अक्रॉस टू टाइप ऑफ आयात इसमें जब तुम पढ़ोगे तुम्हें दो किस्म की आयात मिलेंगी ये दो किस्म की आयात कौन सी है महकमात उन नमूल किताब असल किताब यही है कोई पढ़ना समझना सीखना इन्हीं को यही असल किताब है यही तुम्हारे लिए फुरकान है महकमा महकमात का मतलब क्या है मजबूत मोहकम हुक्म वालियां अहकाम वालियां जिनमें तुम्हें कोई तरीका कार बताया जाता है महकमात वाज़े क्लियर काट कुरान की आयत को महकमात कहा जाता है जिनके हुक्म बड़े वास हैं, जिनके हुक्म रोजे रोशन की तरह क्लियर कट आया है बैनात और महकमात गोया एक ही चीज है जिनके हुक्म को समझने में कोई इबाम नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं क्लियर कट वाज सीधे सादे अहकाम पर मुश्तमिल आयात को कुरान में महकमत कहा गया है मसन कुरान भरा पड़ा है कुरान की वो आयात जिसमें अकीदे की बात है अकीदा तोहेद अकीदा रसालत अकीद आखरत ईमान बिल्ला ईमान बिल रसुल ईमान बिल किताब ईमान बिल आखरा ईमान बिल मलायक ईमान बिलकदर यह सब क्या है बड़ी महक्म क्लियर कट वाजें हैं इबादत अकीमो सलाता वात जकता वाहिमुलहजा वाल ये क्या है इबादत के अहकाम क्लियर कट वाजे हैं या यूह लजीना क्या करो कुम्या कुम। कुम क्लियर कट रोजों का हुक्म है तो लिहाजा वो कुरान की आयात जिसमे अकीदे पर बात है ईमान पर बात है इबादात के हुक्म है अखलाक की बातें हैं जिनमें मामलात की बातें हैं अल्लाह के हकूक की बातें हैं अल्लाह के बंदों के हकूक की बातें हैं जिसमें जन्नत के तस्करे हैं जहन्नम के तस्करे हैं अजाब इलाही की बातें हैं रहमत इलाही के तस्करे हैं दुआ और माफी की इबादात के तरीके ये सब कुछ क्या है क्लियर कट मुबाहसे और तबसरे ये सब के सब बातें हलाल और हराम की बातें हैं गुना और नेकी का तस्वर है ये सब क्या है ये सारे के सारे तबसरे ये सारे के सारे मुबाज जो क्लियर कट वाजे दो टोक हैं ये सब मोहकमात है और अल्लाह ने कहा यही मोहकमात क्या है हुना उमल किताब असल असल किताब यही तुम्हारे लिए बातें इन्हीं में तुम्हारे अकीदे तुम्हारे इखलाक तुम्हारे मामला तुम्हारी इबादत तुम्हारी दुनिया आखिरत का अंजाम इन्हीं के गर्द घूमता है हदयी ना हो नजदैन और फुरकान तुम्हें इन्हीं से मिल जाए तुम्हारे लिए असल किताब यही है वा एक और कैटेगरी भी कुरान की आयात की है जरूर यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस एनकाउंटर करोगे तुम तुमने तो कुरान पढ़ना तुम कुरान के तालब इम तुम कुरान के कारी हो तुमने हर ही किस्म की आयात पढ़नी तो एक और कैटेगरी भी कुरान की आयात में होगी दूसरी मुतशा बेहत है मुतशाब हाथ का रूट पर देखें शीन बा हा शुभा। जो चीज शुभा डालती है वो मुतराब भी है मिलती जुलती चीजें ऐसी चीजें जिनको पढ़ने के बाद कुछ शुभा सा हो जाए कुछ कंफ्यूजन हो जाए समझ में ना आए मुझे कुछ शुभा सा हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसी चीज जिसको पढ़ने पर शुभा लाहक हो जाए शक पड़ जाए मतलब समझ ना आए मफहूम ना पता चले या बात समझ में ना आए कुछ डाउटफुल सी कंफ्यूजिंग सी मुबहम सी बातें पोशीदा सी बातें जो समझ में ना आएंगे खाद कुरान में ऐसी आयात मौजूद है कुछ मुफसरीन के नज़दीक मुतशा बहद सेवनटीन है कुछ के नज़दीक पांच है वो अल्लाह आलम कितनी है और कैसी है लेकिन मिसालों से अगर मैं आपको बता दूं आयतुल कुर्सी में पढ़ा से कुर्सी हो समावाते वाल कुछ समझ आई कुछ समझ आई अल्लाह की कुर्सी कैसी है कहां है कैसे रखी है क्या कैफियत है क्या हालत है क्या रंगत है क्या साइज है किस चीज की बनी हुई है कब कहां किस वकत होती है कुछ समझ आई वहां कुर्सी हो समावाते वाल कुछ मुश्तबे है मुझे कुछ समझ नहीं आता फिर इसी तरह अल्लाह सुबहाना लिए आता है सो मस्तवा फिर अल्लाह सुबहाना अल्लाह अपने अर्श पर मतमक्न हो गया अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी हो गया ये मुस्तफी होने की कैफियत क्या है इसतवाश ही कहा जाता है इसके तर्जुमे में लेकिन अल्लाह कैसे मुस्तवी है उसके मुतमक्न होने की कैफियत क्या है क्या पोजिशन क्या पॉस्चर क्या एटीट्यूड क्या खैय क्या गलत कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है वो हाथ है तो कुरान में अव्वल तो बहुत सी महकमात हैं और एक्चुअल परसेंटेज है ही वो एंड दैट इज़ द एक्चुअल बुक लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो तुम्हारे लिए मुतशाब हाथ होंगी तुम्हें उनकी हकीकत समझ नहीं आएगी तुम कंफ्यूज हो जाओगे तुम डाउटफुल हो जाओगे तुम्हें उनका मानी उनका मफहम क्लियर कट तरीके से समझ नहीं आएगा दो किस्म की आयात का तारुफ करवाने के बाद अल्लाह ने आगे दो किस्म के ग्रोहों का तारुफ करवा दिया दो तरीके के ताल्लुक और बिहेवियर के एटीट्यूड दिखा दिए और फिर बता दिया कि सही तरीका कार क्या है ऐसा लगता है कि जैसे उंगली पकड़ के हमें कुरान पढ़ने का तरीका सिखाया जा रहा है पहले कुरान का तारुफ़ करवाया उसकी पहचान करवाई उसकी अताहत की अजमत सिखाई और अब बताया अब तुम स्टूडेंट बन गए हो ना इस फुरकान के इस फुर्कान से फर्क लेने के लिए आना चाहते हो अब आप इसको पढ़ने लगे हो दो किस्म की होंगी एक्चुअल मुतम के माते हैं बस दैट इज एक्चुअल इसके अलावा हाथ होंगी तो ये दो किस्म की हैं अब कुरान के ताल्लुक में लोग भी दो किस्म के होंगे और लोग दो होने के साथ साथ और अब ये भी दो किस्म के आएंगे इनमें से कौन सा ठीक होगा कौन सा ठीक नहीं होगा फम लजीन फी वो लोग होंगे इसके साथ जुड़ेंगे लेकिन उनके दिलों में क्या होगा जै जै किसको कहते हैं टेढ़ को उनके अंदर कजी है उनके अंदर ना एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो जिस चीज के साथ चलते हैं ना वो टेढ़ ही चलते हैं, सीधे होते ही नहीं वो कुरान के मामला में भी उनके दिलों में कजी है फैत बेउ न मात शाह इतनी महकमात होने के बावजूद वो मौकाम के पीछे नहीं चलते वो महकाम को सुनते समझते और उस पर नहीं अमल करते वो क्या करते हैं जो मुतशाबेहत हैं ना उन्हीं के पीछे चलते हैं और उनके अंदर वो फितना तलाश करते हैं और उसके वो मतलब तलाश करते हैं। इब्तिगाल था ये जो मुतावियात है जिसका मतलब अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं है ना उसी की तावीलें उसी के मतलब उन्हीं के पीछे चलते हैं ये पहला गरोह है जिनके दिलों में टेढ़ है और वो टेढ़े तरीके कुरान के साथ इख्तियार करते हैं टेढ़े तरीका और टेढ़े लोग कौन से हैं जो महकमत जो सीधी सादी, क्लियर कट वाजकाम हैं उनको ना सुनते हैं ना सीखते हैं ना पढ़ते हैं ना समझते हैं ना उसको अपनाते हैं ना रंग में रंगते हैं बल्कि जो मुतशाबहत हैं जिनका मतलब जिनकी तावील अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता उनकी कुरेत में जाते हैं उनकी टो में जाते हैं उनका तजस करते हैं। जब कुछ नहीं निकलता तो उनको अपनी मर्जी के मानी बनाकर अपनी मर्जी का रंग देकर कुरान के और दीन के अपनी मर्जी के तरीके इख्तियार कर लेते हैं ये कजी और ये टेढ़ का तरीका है ये लोग हदायत वाले और अल्लाह के पसंदीदा लोग नहीं फिर दूसरे लोग हैं वर्रा से खूना फिल और मतलब होता है रसूख होना पक्का होना गड़ जाना कहते हैं ना फलां को माशरे में बड़ा रसूख हासिल है है ना या मेरे अपनी बरादरी में मेरा बड़ा रसूख है भाई है ना रसूख का मतलब समझ है बड़े बाइकदार बड़ा उनका एक कंट्रोल है रात से खून जो जिनको इल्म रसूख है जो पक्के हैं जो गड़े हैं जो रचे बसे हैं जिनके दिलों के अंदर इल्म रच बस गाड़ गया है इल्म उनके दिलों में रासिक हो गया ये पता कौन से होते हैं यकूल आमन्ना भी कि जब कुरान में आयत आती हैं मोहम्मात आती हैं तो उनको सुन के आमन्ना कहते हैं और मुतशाबेह भी आती हैं तो मुतशा की कुरेद में नहीं जाते मुतशाबे हाथ के साथ टेढ़ और कजी का तरीका ये क्यों कहा है अल्लाह ने अल्लाह का क्या मतलब है उसकी टेढ़ उसकी कुरेद उसकी क्यूरियोसिटी उसका तजस नहीं करते आमन्ना भी कुल्लू में निंदे ये सारे का सारा हमारे रब की तरफ से है ना ये नॉन टेढ़ा तरीका सीधा क्लियर कट कुरान है इसके साथ सीधा सीधा क्लियर कट रवैया जो समझ आ गया उसको समझ लिया मान लिया अपना लिया अपने रंग का उसके रंग में रंग लिया और जो हाथ हैं उसकी कजी में उसके टेढ़ में उसके इबाम में उसकी, उसकी क्यूरसिटी में नहीं गए ये सीधा रवैया रखने वाले ही वो रा हैं वो पुख्ता है ममा यज्ला और नसीहत अक्ल वाले सियाने ही पकड़ते सियानों की दुआ क्या है

एक ग्रोह जो कजी करते हैं उनके रवैये में कजी नहीं उनके रवैये में टेढ़ नहीं सीधे को भी मानते हैं टेड़ को कह देते, है, देते हैं मुतशाबेहात को कह देते मेरे अल्लाह की तरफ से अगर अल्लाह ऐसे कह रहा है तो ऐसा ही होगा उसके पीछे नहीं चलते उसकी पैरवी नहीं करते उसकी क्यूरियोसिटी में सबको मान लेते हैं ही मान ले आते हैं और बस इल में उनको रसूख भी मिलता है सिर्फ ये नहीं उसकी दुआएं भी मांगते कजी से बचने की दुआएं भी मांगते पहली बात अल्लाह सुबहाना ताला के हाँ यख करो इल्ला उलुल अलबाब उलुल अलबाब किसको कहते हैं अकल वाले अक्ल वाले सियान समझदार अल्लाह के हां फिर कौन से हैं न से पता चलता है अल्लाह सुबहाना तला उल उल अलबाप फिर किसको कह रहे अल्लाह के हां सियान समझदार अक्लमंद कौन है क्या चाहते हैं कि हम अल्लाह के, के हां उस सफ में मेरा आपका भी नाम लिखा जाए कि जिनको अल्लाह सियान समझता है माशरा तो पता नहीं किसको सियन समझता है ना माशरे में किसको सियन कहते हैं हमारे माशरे में जिसके पास दुनिया का इल्म बहुत ज्यादा है या जिसके पास दुनिया के फन हुनर बहुत ज्यादा है उसको सियाना कहते हैं या माशरे में वो बड़ा सयाना है और वो बड़ा सक्सेसफुल हो गया उसे ढेर सा माल बड़ी स्याना है भाई बड़ा समझदार है बड़ी तरक्की की है उसने चार फैक्ट्रियां बना ली है, है ना माशरे में सियाना उसी को कहते हैं जिसके पास माल है जिसके पास दुनिया का इम है जिसके पास दुनिया के फन और हुनर है बड़ी सियानी है इतना खूबसूरत उसने घर बनाया बड़ी सियानी है कभी तू ने उसकी जहेज और बड़ी देखी है बड़ी रिफाइंड है बड़ी सियानी है हमारे यहाँ सियाने का पैमाना फर्क है ना अल्लाह के हाथ से आना कौन है अल्लाह के हाथ से आना कौन है जिसको किताब और कुरान के इल्म में रसूख है अल्म अल में जो राख है जिसके पास कुरान और इल्म के हदीस के इल्म का रसूख है पक्की है कड़ी हुई है रची बसी हुई है कुरान और हदीस की तालीमत जिसमें वो अल्लाह के हाथ से आना है अल्लाह ने तूरा बकरा में भी फरमाया वयुक्त फकत ऊतिया खैरन कसीरा इल्ला अल्लाल बाब जिसके पास हिकमत है ना दानाई है कुरान और हदीस की तालीमत की वही उलुल अलबाब है सूरा बकरा में और वही सूरा अमरान में भी अल्लाह के यहाँ से आना और समझदार वो है जिसके दिल में हवास में कुरान और हदीस की तालीमत रासिक हो गई हैं पुख्ता हो गई हैं गढ़ गईया रच गई हैं बस गई हैं घर कर गई हैं दिलो दबाग में अल्लाह रसूखल इमता फरमाते अल्लाह कुरान और हदीस के इल्म रसूखता फरमा कुरान और हदीस की इल्म और तालीमात हमारे जहनों में हमारे दिलों में हमारे हाफजों में रच बस गढ़ जाए अल्लाह ये हमारे घरों हमारे आंगनों के रंग में नजर आने लगे इनका रंग ये सियाने है अल्लाह के अल्लाह ऐसा सयाना और समझदार भी बना दे अच्छा जी दूसरा मुझे बताएं कि रासकून इल्म फिर कैसे होते हैं और रसूख आप अल्लाह के हाथ सियाने तो बनना चाहते हैं ना अल्लाह के हाथ से आने कौन है जो रासकूनल इम है अच्छा अल्लाह के हाथ से आने और रासूनल इल पर कैसे होते हैं और कैसे बन सकते हैं क्या रवैया होगा कुरान के तालब इलमी और हदीस के तालब इलमी में टेढ़ को छोड़ देना कजी को छोड़ देना कुरान और हदीस का वो तालब इल्म जो टेढ़ नहीं करता कजी नहीं करता सीधा रहता है क्लियर कट दो टो केाम को समझ के सीधा सीधा समय अनावा अतवाना कह के कि अपने आप को उसके रंग में रंगता है यही रसूख पाता है और यही अल्लाह के यहां समझदार बंदों की सब में शामिल होता है कुरान के इल्म में रसूख चाहते हैं मैं और आप सभी चाहते हैं हम सब चाहते हैं कि कुरान के इल्म हो जाए पा हो जाए रसूख मिल जाए हमें कुरान के इल्म का मिलेगा कैसे जब कजी से बाज आ जाएंगे कुरान के साथ कजी नहीं होगी कुरान जो कहेगा उसमें समय आना वना जब रब कहे असलम तो असलम तो ले रब लाल ये कजी से बचा हुआ तरीका है और कुरान के अहकाम में कजी ये है नहीं आज के लिए नहीं है ये इनकी इंटरप्रटेशन है ये आज के दौर में इसको चेंज करने की जरूरत है आज दुनिया कहाँ पहुंच गई ये अहकाम उस दौर ये सब कजी है ये सब बहस है ये सब हजतबाजी है ये दलीलें और ये बेहद का बहस का तरीका ये कजी का तरीका है ऐसे लोग जो कुरान की तालीमात के साथ कजी और टेढ़ का तरीका इख्तियार करते हैं उनको कुरान में रसूख नहीं मिलता तो लिहाजा अल्लाह सुबहाना ताला के इस इल्म में अगर रसूख चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या जरूरी है सीधा रहना और फिर उसके बाद दुआएं मांगना रब ला बना लात क्लू बना अल्लाह सारे दीन की महफिल में होते हैं तो सीधे तो होते ही हैं। सराते मुस्तकीम पर चलने पर दिल भी आता है अल्लाह फुरकान के जरिए हमें सीधा रास्ता भी समझाता है जन्नत का रास्ता कुरान पढ़ते हुए वाज तौर पर नजर भी आता है तो ये दुआएं मांगना कि अल्लाह तेरे दीन की महफिल में हम सीधे होते हैं हमारा दिल सीधा होता है दिल क्या है ये तो मुकलबुल्कलूब यह तो उलट पलट होता है अल्लाह सीधे रास्ते पर चले इसी सीधे पर रखना इसमें आए हदायत मिली है हदायत की महफिल में किसी तरह इस से दूर न कर देना और इसलिए तो, तो इसलिए वो कजी के रास्ते से बचने की दुआएं भी करते रसूख कब मिलेगा जब कुरान और हदीस के इल्मा क्लियर कट रवैया होगा कजी से बचेंगे टेढ़ से बचेंगे क्यूरिया चीजों की कुरेद और टो में जा जाके अपनी मर्जी के मतलब और मानी निकालने के रवैये से बचेंगे टेढ़ से बचने की दुआएं करेंगे और फिक्र आखरत को अपनी फिक्र बनाएंगे तभी रसूखुल इल्म मिलेगा रासिखुन अल वो हैं जो सीधे हैं कजी से बचते हैं कजी से बचने की दुआएं करते हैं सीधा रवैया अख्तियार करते हैं और दुनिया नहीं आखरत की फिक्र और मालिक यौमिद्दीन की मुलाकात की तड़प को अपनी तलब और तड़प बनाते हैं इनको मिलता है रसूख कुरान के साथ या कुरान के तालिब में कजी का रवैया रसूख से रुकावट बन जाता है कजी का तरीका रसूख में रुकावट या इल्म के दिल में रास्क होकर जमने और घर कर जाने की रुकावट कैसे है मैं औकात के बाद एक कील के गाड़े जाने की मिसाल से दिया करती हूँ कभी दीवार में कील गाड़े जाने का मरहला देखा है या कभी खुद ठोका है कील दीवार में जब कील को दीवार में गाड़ा जाता है एक नेल को कील को दीवार में गाड़ा जाता है तो उसका मरहला क्या होता है? क्या किया जाता है? कील को लेते हैं एक हाथ से पकड़ के हम उसको दीवार पर सीधा करके रखते ऐसे ही होता है दूसरे हाथ में हैमर लेते हैं एक हथौड़ी और आहिस्ता आहिस्ता उस कील के ऊपर उस कील के सिरे के ऊपर जरबे लगाई जाती ऐसे ही होता जरबे लगती जाती हैं और वो कील जो सीधा दीवार पर रखा है वो आहिस्ता 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 दीवार में दाखिल होता चला जाता यहां तक कि उस कील का बहुत सा हिस्सा उस दीवार में दाखिल हो जाता है ये मैं बता रही हूं तब जब कील बिल्कुल सीधा गाड़ा जाए जरबे आहिस्ता आहिस्ता हैमर लगाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता हैमर की जाती हैं जरबें और वकील का पहले थोड़ा हिस्सा और फिर बहुत सा हिस्सा उस दीवार के अंदर दाखिल हो जाता है और जब फिर हैमरिंग के कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के साथ उस कील का बहुत सा हिस्सा दीवार में गड़ जाता है तो फिर उस दीवार में गढ़े वकील के ऊपर आप हरी सी चीज लटका भी लें तो बड़ी आसानी के साथ लटकती रहती होता है कि नहीं बहुत दफ़ा गाड़े भी होंगे और बहुत दफ़ा गड़े हुए के ऊपर चीज़ें लटकी भी देखी होंगी लेकिन अगर सोचे यही गाड़े जाने वाला कील अगर दीवार में गाड़े जाते वक्त दीवार के साथ टेढ़ा रखा जाए ऊपर से टेढ़ा दाएं से टेढ़ा बाएं से टेढ़ा नीचे से टेढ़ा रखा और फिर उसको नीचे से टेढ़े कील को हैमर किया तो क्या होगा हाँ कील अगर टेढ़ा भी रखा होगा तो शायद उन जरबों के साथ थोड़ा थोड़ा कील का हिस्सा दीवार अव्वल तो जाएगा नहीं दीवार में गढ़ता वही है जो कील सीधा होता है और अगर टेढ़ा कील उन जरबों के साथ थोड़ा थोड़ा दीवार में दाखिल हो भी गया जो बस औकात हो भी जाया करता है हो भी गया और आपने देखा कि कुछ हिस्सा दीवार के अंदर दाखिल हो गया है उसके ऊपर ही आपने कोई चीज लटकाई तो क्या होता है अमूमन देखा होगा वो कील जो दीवार में टेढ़ाड़ा जाता है अब तो उसका हिस्सा ही बहुत थोड़ा दाखिल होता है और अगर दाखिल हो भी जाए उसके ऊपर कोई चीज लटकाएं तो फौरन वो चीज धड़ाम से जमीन पर गिरती है वो चीज भी टूटती है लटकाई जाने वाली चीज भी खराब होती है कील भी उखड़ के बाहर निकल आता है और सिर्फ कील ही नहीं उखड़ता उस कील के उखड़ने के साथ उस दीवार का बहुत सी रोगन बहुत सी कलई और बहुत सा पलस्तर उतरता है और उस दीवार पर उस कील के उखड़ने का एक बहुत सा धब्बा और निशान रह जाता है देखे होंगे ऐसे उखड़े हुए कील बस यही मामला है यही मामला है एक तालिब इम के रसूखल इल्म के लिए भी अगर एक कुरान का तालिब इम है तो उसको अपने कुरान और हदीस के इल्म के साथ अपना रवैया सीधा रखना है कजी नहीं करनी सीधा करके उसको अपने माल्म के हवाले करना है कुरान की आयात अदीस की तालीमत की तरबियत आहिस्ता आहिस्ता जरबे लगाकर उस इल्म को उसके दिल में दाखिल करते रहेंगे ये मरहला आहिस्ता है लेकिन अगर कुरान का तालिब इम टेढ़ा नहीं हुआ और वो इल्म सीधा आहिस्ता आस्ता मोलम और कुरान की तालीम की जरबों से वो दीन का इल्म उसके दिल में दाखिल हुआ और सीधा दाखिल हो गया तो फिर जब काफी सा कुरान और हदीस का इल्म उसके दिल में रासिक हो जाएगा तो फिर आमाले सवाल और इबादत अख्लाक मामला का ढेर सा वजन भी उस पर डालेंगे तो उठाने के काबिल होगा लेकिन याद रखिएगा अगर कोई कुरान का तालब इल्म कुरान और हदीस के साथ कजी का रवैया अख्तियार करता रहा तो मुअल्लिम की जरबे कुरान और फुरकान की आयात की जरबे उसके दिल में इल्म शायद कुछ दाखिल तो कर देंगी लेकिन यह इल्म रासिख नहीं होगा इन जरबों के साथ वो इल्म शायद टेस्टों की जरबे असाइनमेंटों की जरबे दोराइयों की जरबे बहुत सी जर में शायद उसके दिल में इल्म को दाखिल कर देंगी लेकिन अगर उसका अपना रवैया टेढ़ या कची का हुआ तो इस इल्म में उस तालिब इम को रसूख नहीं होगा और ऐसा दिल में आने वाला गैर रसूख वाला इल्म अमाल का वजन नहीं उठाएगा उसकी इबादत उसके अमाल अब्बल तो नहीं बदलेगा इखलाक नहीं बदलेंगे मामलात नहीं बदलेंगे अमाल का बोझ उठाने के काबिल नहीं बनाएगा वो तालब इल्म को उसका इल्म और अगर कहीं उसने तहजदों और नवाफिल और इबादत और अखलाक के हुसना की बोझ डाले तो फिर ये इलम भी उखड़ेगा और बदनुमा सा धब्बा उसके ऊपर आ भी जाएगा और ये बदनुमा धब्बे बसा औकात कुरान के कज खुल्क कज खुल्क तालब इल्मों के ऊपर नजर आते हैं अल्लाबहाना तला हमें कजी से बचने की तोहफी कता फरमाए और यही दुआ अल्लाह ने हमें कुरान में बता दी कुरान के साथ रसूख चाहते हो इसमें रास्से हो गए तो अल्लाह के यहां सियानों की सफ में शामिल हो जाओगे अल्लाह तुम्हें सियाना कहेगा अल्लाह के यहाँ उलूल अलबाब बन जाओगे रसूख चाहते हो कजी ना करना कजी से बचने की दुआएं करना फिक्र आखरत करना और यही दुआ सिखा दी गई रबनाल तुझे कलू बना अल्लाह तेरे कुरान हदीस की तालीम तफसीर शरा की महफिलों में बैठते हैं दिल बड़ा सीधा हो जाता है सराते मुस्तकीम का सीधा रास्ता नजर आता दिल करते दौड़ के लपक कर उस रास्ते पे चले दिन की महफिलों में तो दिल भी नरम होता है ईमान भी बढ़ जाता है अल्लाह जब यहाँ पर तो दिल को सीधा करता है तो अल्लाह फिर इन दरवाजों से बाहर निकलकर जब बाहर की हवा लगती है तो दिल को कची से बचा लेना वह उनका रहमान अपनी रहमत से नवाज के हमें हदायत के रास्ते पर सीधा रहकर रसूख के रास्ते में रहकर हमें कजी से बचने वाला बना देना तू तो बहुत ही अताक करने वाला है और अल्लाह तो इसी दिल की कजी से बचने की दुआएं इसलिए कर रहे हैं इन न का तो जमा करने वाला है लोगों को एक दिन में ला रहे बाफी इसमें तो कोई शक ही नहीं इनल मियाद एक ऐसा दिन जरूर आएगा जिसने तूने वादा किया और तू तो अपने वादे के खिलाफ कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन तेरे रूबरू हासिर हो तूने अपनी तोफ़ी से ये कुरान को सीखने की तोफ़ी अता फरमाई हो फुरकान की तालीमत पहुंचाई हो लेकिन हम अपने कजी से इस रवैये से और इस कजी के रवैये से हम सराते मुस्तकीम से कचर और रवैया अख्तियार करके तेरे सामने हाजिर हो जाए हिसाब आसान कर दे अल्लाह इस कुरान को हमारे हक में सिफारिश और शिफात करने वाला बना दे हदीस में अलैहि वसल्लम ने निशान तही भी एक हदीस के जरिए फरमाई क्योंकि जब ये आयात पढ़ते हैं तो सब लोगों का दिल करता है कि हम भी रास इल्म बन जाएं, हम भी अल्लाह के अल्बाब की सिफ्त हमारे अंदर भी पैदा हो जाए तो हदीस में देखने के लिए हदीस में पता चलता है कि रासिकून इल्म लोगों की सिफात कैसी होती है कि हमें पता चले क्या हम रासिकून इल्म हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म में पुख्ता वो है जिसकी कसम सच्ची है यानी देखना चाहते हैं कि हम रासिकून इल्म है कहीं हम कजी तो नहीं कर रहे कहीं ये कुरान और हदीस जो हम पढ़ रहे हैं हमारे दिल में रच बस रहा है सिफात देख लीजिए रास खून इम की पहली सिफत जिनकी कसम सच्ची है जिनकी जबान रास्तबाज है कसम खाते हैं तो सच्ची कसम खाते हैं बात करते हैं तो सच्ची हक की बात करते हैं जिनकी कसम सच्ची है जिनकी जबान रास्तबाज है जिनका दिल सलामत है यानी नफ्स मर नहीं गया जमीर मुर्दा नहीं है नफ्स अभी नफ्स लवामा जिंदा है, जिनका दिल सलामत है जिनका पेट हराम से बचा है और जिनकी शर्मगा जना से बची है यह है रा फिर दोहरा दू रास्खून इल्म है जिनकी कसम सच्ची है जिनकी जबान रास्त बाज है हक बोलती है हक बताती भी है हक छुपाती भी नहीं हक की मुआवनत में कुलती भी है हक की बातिल के मुखालिफत में उठती भी है और बातिल को खोलती भी है ये है रास्त बाजान अल्लाह ऐसी जबान अता फरमा दे अल्लाह जबान में रवानी अता फरमा दे अल्लाह जबान की गिरे भी दे जिसकी जबान रास्त बाज है जिसका दिल सलामत है, है।, हराम, हराम है।, है। अल्लाह इन सिफात से मुतसिफ करके हमें इल्म बना दे अल्लाह कुरान और हदीस के इल्मता फरमा और अल्लाह ऐसा रसूखता फरमा कि हम ऐसे कजरवी से बचने वाले ऐसे टेढ़ से बचने वाले बन जाएं कि उधर सुनते जाएं उधर मानते जाएं उधर मानते जाएं उधर अपनाने वाले खुशकिस्मत बनते जाएं जिन लोगों ने कुफर का रवैया اختیار किया है अल्लाह उन, उन उन्हें अल्लाह के मुकाबले में ना उनका माल कुछ काम देगा और ना ही औलाद वो दोसख का ईंधन बन के रहेंगे अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम अल्लाहुम्मा अजिरना मिन النار फिर दोहरा लीजिए कहा जा रहा है कि वो लोग जो कुफर करेंगे वो दोजह का ईंधन बनेंगे उलाय का होम वकूद वो ईंधन बनेंगे पीछे भी बकरा में आया था वकुदहन्ना सोलह हजारा उसका ईंधन कौन बनेंगे पत्थर और लोग इंसान जहन्नम का ईंधन कैसे बनेंगे इंसान के जिसम में बहुत से ऐसे कॉम्पन और बहुत से ऐसे हैं जो जलने में मुआवनत करते हैं मैंने आपको सूर्य बकरा में भी बताया था कैल्शियम फॉस्फेट्स फैट्स लिपिड्स हमारी बॉडी हमारे जिसम की चर्बी और कैल्शियम और फॉस्फेट्स वो जो पटाखे वगैरह बनाने में काम और फायर वर्कस में काम आते हैं और फिर चर्बी जो घी के अंदर और आग को तेज करने का काम हमारे जिसम के हिस्से उस चीज पर मुश्तम है तो लिहाजा ये जलने में काम देंगे और याद रखा करें जब इससे मिलती जुलती आयात आए याद रखिएगा इंसानों को जब जहन्नम की आग में डाला जाएगा ईंधन को जब डाला जाता है तो आग क्या होती है भड़क कर और गर्म हो जाती मकुरां वो व वो जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से उनहत्तर गुना ज्यादा गर्म है इंसानों का अंबोह जब उस दुनिया में डाला जाएगा तो वो ईंधन बन जाएगा और वो जहन्नम की आग पहले से भी ज्यादा शदीद तरीके से भड़क उठेगी नज़ाब चहनमान गामा इन्हासात मुस्तकर व मकाम अल्लाह उस आग का तकवाता फरमा दे उसताक से बचने की फिक्र अतः फ़रमा दे और अल्लाह अपनी दुनिया की नमतों को उस आग से निजात के लिए खर्च करने की तोफ़ीकता फ़रमा उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसे फिर के साथियों और उनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका उन्होंने आयात इलाही को झुठलाया तो नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और हक यह है कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों ने तुम्हारी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया है उनसे कह दो तो, करीब है वो वक्त जब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नम की तरफ आके जाओगे और जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है अल्लाह जिन्ना मिनन्नार तुम्हारे लिए उन दो ग्रोह में एक निशान है इबरते अल्लाह सुबहाना तला ने वाजे तौर पर बता दिया कि ये फुरकान है दोनों रास्तों को वाज तौर पर हाईलाइट लाइट और तो डिफ्रेंशिएट करता है जो इसको सीधा सीधा मान के बगैर कजी के इसको मान के इसके सीधे रास्ते पर चलता जाता है वो कामयाब होगा जो कजी करके डेढ़ करके कुफर करके नाफरमानी करके इसके अहकाम को ना मान के जहन्नम के तरीके की तरफ जाएगा वो वासिल में जहन्नम होगा और बुरे अंजाम से दो चार होगा और ये अंजाम दुनियावी तौर पर दिखाने के लिए अल्लाह सुबहाना तला ने गजबाए बदर में रोनुमा होने वाले हालात का तस्करा कर दिया कि एक गरोह तुम्हारे लिए इन दो ग्रहों में एक निशानी इबरत है जो बदर में एक दूसरे से आजमा हुआ एक ग्ररोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था दूसरा ग्रोह काफिर था, देखने वाले में सर देख रहे थे कि काफिर मोमिन ग्रोह से दो चंद है मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फतेह और नुसत जिसको चाहता है मदद देता है दीता है बीना रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोषीता है गोया योमुलफुरान यौमुल फुरकान का किस्सा कुरान के फुरकान होने के हवाले से कोट किया जा रहा है यौमुल बदर जंग बदर गजबाए बदर को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है क्योंकि उसने हक और बातिल परस्त ग्रोह में खोल कर फर्क बयान कर दिया था जंग बदर में गजबाए बदर में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी लेकिन हक परस्त थे कुरान और नबी वसल्लम की तालीमात के साथ कजी नहीं कुल ना पर ईमान रखने वाले कुरान और हदीस की तालिमात में रसूख वाला ग्रोह मुसलमानों का ग्रो ये तीन सौ तेरह की छोटी सी पूंजी थी लेकिन ये समय ना वतवाना वा करने वाले थे रबा ला कलूबा ना की दुआएं मांगने वाले थे कुरान और हदीस की तालीमत से फैज पाकर उस फुरकान की तालीमत को मानकर सीधे रास्ते पर चलने वाले थे छोटा सा ग्रोह था इसके मुकाबले में कसीर तादाद एक हजार की मौजूद थी मुश्किन मक्का की जिनके अंदर टेर था जिनके अंदर कजी थी जिनके अंदर कुरान के इल्म का रसूख नहीं था जिन्होंने फुरकान को माना नहीं था फुरान की तालीमत से फायदा नहीं उठाया था ये इतना बड़ा ग्रोह इतने छोटे हक परस ग्रोह के सामने योमुल फुरकान पर शिकस्त खा गया कुरान के फुरकान होने की दलील मिल गई उस योमुल फुरकान से और अल्लाह सुबहाना ने कुरान को योमुल फुरकान कह के कुरान के फुरकान होने के सबूत के तौर पर जंग बदर के योमुल फुरकान की मिसाल दे दी कि जो हक परस्त इस कुरान के फुरकान के पैमाने को बगैर कची के थामेगा वो कामयाब रहेगा वो अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल होगी वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा और जो ग्रोह चाहे वो कितना बड़ा कितना कसीर, कितना ताकतवर क्यों ना हो इस पुरकान के हक़ के पैमाने पर कची का तरीका इख्तियार करेगा वो दुनिया में भी नाकाम रहेगा तन्हा भी रहेगा अल्लाह की वलायत अल्लाह की मेहनत अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मुआवनत से महरूम भी रहेगा अल्लाह सुबहाना तैाली इस फुरकान के हकीकी मानी और अहकाम को समझ कर अल्लाह की वलायत अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की जन्नत को पाने की तोफ़ी कता फ़रमा दे रबाना रबाना ला तु जेलूबानादा इज इस तना वाह मिल्ला तो उनका रहमा इन्ना का अंतलवा سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين